जोधपुर शहर राजस्थान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। जोधपुर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वैसे तो जोधपुर में कई पर्यटन स्थल हैं, जो अपनी वास्तुकला और इतिहास की वजह से आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन आज मैं आपको जोधपुर के एक ऐसे स्थल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो जोधपुर के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। इस स्थल का नाम है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले के बगल में स्थित एक शानदार स्मारक है। यह स्मारक 1899 ईस्वी में जसवंत सिंह के बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में निर्मित एक शाही स्मारक है। यह आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना जाता है। बहुस्तरीय उद्यानों और एक शांत झील के बीच स्थित जसवंत थड़ा संगमरमर की चादरों से सजी बेहतरीन संरचना है। संगमरमर की चादरें बहुत पतली और जटिल नक्काशीदार हैं, जो स्मारक की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। स्मारक में कई गुंबद और शिखर हैं, जो इसे एक मंदिर जैसा रूप प्रदान करती हैं। सफेद संगमरमर की विशाल संरचना की वजह से इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार मंडोर में हुआ करता था। इस बेहतरीन संरचना में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी लगी हुई हैं, जिनमें सूर्य की किरणें आर पार जाती हैं। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। अगर आप जोधपुर शहर की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आप जसवंत थड़ा के अलावा मेहरानगढ़ किला, उम्मीद भवन पैलेस, मांडोर गार्डन, बालसमंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क और तुर्जी का झालरा भी घूमने जा सकते हैं। जसवंत थड़ा पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जसवंत थड़ा की पूर्ण और विस्तृत यात्रा के लिए 1 से 2 घंटे का समय निकालकर यात्रा सुनिश्चित करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राजपूताना व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।